Hello friends, welcome to all in my YouTube channel. This is Himani Bundela. So friends, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको mental maths करवाऊं और उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सेकेंड वीडियो. टाइटल आप लोग भाग देख चुके हैं. यस, एडिशन ट्रिक, कैसे आप विदाउट पेन पेपर एडिशन की लंबी लंबी सीरीज को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेटर से फास्ट. आज हम ये जानेंगे. बट इससे पहले इस सीरीज की हमारी फर्स्ट वीडियो यानी कि मैम टेक्निक, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है और जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है. बट एक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी किसके लिए है? जनरल स्टूडेंट्स तो देखेंगे और सीखेंगे, प्लस जो हमारे साथ में विजुअली इम्पेयर्ड हमारे फ्रेंड्स हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए कंप्लीटली एक्सेसिबल बनाई गई है. मतलब इसमें जो कंटेंट होगा, जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर दिया जाएगा. इट मींस हम चलते हैं आज इंक्लूजन की तरफ. आइए विदाउट वेस्ट टाइम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, बेसिकली हमने जो मैम टेक्निक देखी थी वो बात करी थी स्क्वायर्स और मल्टीप्लीकेशन की. आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ एडिशन की. लेकिन एडिशन की वो ट्रिक जो है, जो टेक्निक है, वो कहाँ यूज होगी, किस सीरीज में यूज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली मैं आज आपको जो बताऊंगी वो टेक्निक कभी भी आपको इवन नंबर की कितनी भी बड़ी सीरीज मिले उसमें आप यूज करेंगे. सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन सुनिएगा पहले. क्वेश्चन है हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16. बताइए कितना आंसर आएगा, निकाल पा रहे हैं आप लोग ओरली, वो भी 1 सेकंड में? नहीं आ पा रहा था. लेकिन अभी मैं आपको जो ट्रिक सिखाऊंगी ना, उससे आप 1 सेकंड में पेन पेपर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन सुनकर, तो मतलब क्वेश्चन सुनकर ही आपका आंसर आ जाएगा. और पता कैसे आएगा? फिंगर्स की हेल्प से. बट इसके बाद कौन सी ट्रिक सीखेंगे? तो हम ये ट्रिक सीखने वाले हैं आज. सेकेंडली हमारी ट्रिक होगी आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, लगातार 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर दे दिए जाए तो उसका एडिशन आप कैसे करेंगे. एग्जाम्पल सुनेंगे. सपोज मैंने आपको बोला, बताइए 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30. सुन रहे होंगे इतना लंबा, याद कैसे रखेंगे? ये तो बिना लिखे हो ही नहीं सकता. डेफिनेटली हो सकता है, इसकी भी ट्रिक है, वो भी 1 सेकंड वाली. सो आइए स्टार्ट करते हैं. कैसे आप 1 सेकंड में इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं और दूसरों को कर सकते हैं सरप्राइज. सो लेट्स स्टार्ट आवर मैथ्स मैजिक. और मजेदार बात पता क्या, हमारी मैथ्स की क्लास है लेकिन यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा, कोई पेन पेपर का यूज नहीं होगा. सिर्फ आप ही वीडियो को केवल केयरफुली सुनिए और देखिए. ठीक, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं. सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक जो कि हमारी है सीरीज पर, कौन सी सीरीज पर? इवन नंबर की सीरीज पर इंप्लीमेंट होने वाली है. ठीक है, तो बेसिकली इवन नंबर्स क्या होते हैं? एज वी नो, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये हमारे इवन नंबर है. तो अगर आपके सामने इवन नंबर की सीरीज आती है और उसमें एडिशन करना है तो आप कैसे करेंगे विद इन 1 सेकंड? तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉल्व करके बताऊंगी. ठीक है, लेकिन उसके लिए आप पहले फिंगर खोल लीजिए, ऐसे करके हाथ खोल लीजिए. बिल्कुल सोच रहे होंगे ये तो केबीसी में भी करवाया है. यस, ये भी करवाया है और इसके आगे वाला नहीं करवाया, वो आपको करवाऊंगी अभी. खोल लीजिए फिंगर. ठीक है, केबीसी में इवन नंबर का नहीं ऑड नंबर का करवाया था, ये इवन नंबर का हमारा. तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन सुनिएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल टू डैश, ये क्वेश्चन है. अब आपको ऐड करना है तो फटाफट ये नंबर्स पहले फिंगर पर काउंट कर लीजिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 टोटल कितने नंबर हो रहे हैं ये? 5. इट मींस जो भी नंबर आएगा उसका उसकी नेक्स्ट नंबर से हमको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 6. तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा? 30. 5, 6, 30. यस, इट मींस हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन. अब फिंगर खोल लीजिए फटाफट से, मैं जो नंबर बोल रही हूँ काउंट कीजिएगा अपने फिंगर्स पर और चेक कीजिएगा मुझसे पहले आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + 10
प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 यस कितने नंबर हो रहे हैं ये काउंट कीजिए फिंगर पे दोबारा से अगर नहीं कर पाए तो 16 तक 2 से लेके ये हमारे हो रहे हैं 8 नंबर्स कितने हो रहे हैं 8 और 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 9 तो 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 9 सा 72 इट मींस हमारा 2 से लेके 16 तक की पूरी सीरीज को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72 यस आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे आइए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं खुद से करने के लिए फटाफट करके देखिएगा ओके सो रेडी हो जाइए देखते हैं और हाँ आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा चलिए क्वेश्चन आगे आपके सामने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 करके देखिए टोटल नंबर कितने हो रहे हैं देखिए फटाफट से आपको 5 सेकंड दे दियो मैं यस फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 110 कैसे बिकॉज मैंने जो नंबर बोले टोटल कितने थे वो 10 10 के बाद क्या आता है हमारा 11 तो 10 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 110 यस तो ये थी हमारी ट्रिक कि कैसे इवन नंबर की सीरीज को कितनी भी बड़ी सीरीज आ जाए ये तो मैंने बहुत कम नंबर दिए है इससे कितनी भी बड़ी सीरीज आ जाए कितने भी बड़े नंबर वहां पर अगर आप इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करेंगे टोटल नंबर देख लीजिए कितने हैं फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर से आप उसका करेंगे मल्टीप्लाई देन डेफिनेटली आपका आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी भी लग रही होगी बिकॉज ये 1 सेकेंड का टाइम ले रही है तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरों को मैजिक दिखाना चाहते हैं मैथ्स मैजिक तो डेफिनेटली इसको सीख सकते हैं ठीक है ये हो गया अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ बट हाँ क्वेश्चन जरूर दूंगी इससे रिलेटेड करने के लिए ठीक है चलिए अब आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ दूसरी ट्रिक कौन सी थी हमारी पता है लगातार कंटिन्यूसली 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एडिशन कैसे करेंगे ये भी एडिशन की सीरीज का ही टॉपिक है ठीक है तो आपका क्वेश्चन है मान लीजिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 आपको इतना बड़ा एडिशन करना है सोच रहे होंगे कैसे होगा हो जाएगा ये भी हो जाएगा चलिए कैसे होगा ये बताते हैं सबसे पहले टोटल 10 नंबर है 11 से 20 तक ठीक आपको कुछ नहीं करना है जब भी आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो वंस प्लेस पर लास्ट में आपको 5 तो डेफिनेटली लिखना है जो भी आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पर आप 5 लिखेंगे ही लिखेंगे क्यों लिखेंगे वो रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा बट पहले 5 लिख लीजिएगा ठीक है बिकॉज 1 से लेकर 9 तक के नंबर ऐड करने पर 5 भी लास्ट में आएगा आगे जो भी आएगा वो मैं नहीं बता रही अभी करके देखिएगा ठीक है उसके बाद 5 आ गया आपका यानी कि हमारा आंसर में वंस प्लेस पर जो नंबर आएगा वो हमको पता चला उसके बाद जो हमारी सीरीज है ना इसमें सबसे फर्स्ट नंबर का कौन सा नंबर था 11 यस जो भी हमारी सीरीज का सबसे फर्स्ट नंबर का नंबर होगा ना आप उसमें ऐड करेंगे 4 कोई भी नंबर अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ठीक है तो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा था 11 इसमें हम ऐड करेंगे 4 तो 11 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 इट मींस हमारा आंसर आ चुका है 1 5 5 3 1 15 समझे मतलब अगर मैंने सीरीज को किसी भी नंबर से स्टार्ट किया तो उस फर्स्ट नंबर में हमको 4 ऐड कर देना है ठीक और लास्ट में 1 स्पेस पर 5 लिख देना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 डिजिट का सम ही होगा आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये ट्रिक इंप्लीमेंट कहाँ होगी ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर्स अगर जहां 2 डिजिट्स के नंबर है सारे वही इंप्लीमेंट होगी ठीक है अब आपको एक एग्जांपल देते हैं चलिए आपको ऐड करना है 32 से 41 तक यानी कि 32 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 41 इतना बड़ा एडिशन कैसे करेंगे आइए बताते हैं भाई लास्ट में वन स्पेस में क्या आएगा हमारा 5 ठीक है अब जो स्टार्टिंग वाला नंबर था सीरीज में जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो कौन सा था हमारा 32 और मैंने क्या बोला है फर्स्ट नंबर में हमेशा कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे 4 तो 32 प्लस 4 कितना होगा 36 तो इट मींस हमारा आंसर कितना आ गया 365 क्योंकि 36 अभी निकाला 5 हमको लगा नहीं लगाना है फ्री में मिलता है तो हमारा आंसर हो गया 365
कैसी लग रही है ट्रिक? मजा आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट से, और एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक? ये अब आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए लिखिए फटाफट से, 73 से 82 तक के नंबर्स को आपको ऐड करना है। मैं बोल देती हूँ सीरीज, फटाफट करके देखिए आप मुझसे पहले कर पाते हैं या नहीं। 73 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 78 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 82। नाउ योर टाइम स्टार्ट, कीजिए फटाफट से। यस 775, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप मेरे लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आएगा 775। कैसे आएगा देखिए, वही अपना लास्ट वंस प्लेस पे तो हमको 5 मिलते ही मिलते हैं लगाने के लिए, 5 लगाएंगे हम। बाकी फर्स्ट नंबर कौन सा था हमारा सीरीज का? 73। तो 73 में कितना ऐड करना है? 4। 73 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 77। दैट मींस आंसर कितना हो गया? 775। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको दो तरह की ट्रिक सिखाई है। जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, करके देखिए आ रहे हैं या नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स अपने आंसर्स लिखना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हमारे सभी दिव्यांग साथियों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज है एडुकेशन को लेकर, कंटेंट को लेकर, मैथ्स को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? और बहुत जल्दी ही आपको मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके उससे लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो पाएंगे, जो कि आपके लिए वॉलेंट्री बेसिस पे मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? इट मींस हमारे दिव्यांग साथियों को मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम मैथ्स में भी बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन फटाफट से होमवर्क के लिए फटाफट करके देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, अब आपको ऐड करना है 64 से 73 तक की सीरीज, यानी कि 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ये पूरी सीरीज को आप ऐड करके बताइए। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू है हमारा 88 से 97 तक, 88 प्लस 89 प्लस 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ऐड करके बताइए फटाफट जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन एक और इसी सीरीज का है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा 46 से 55 तक के जो भी नंबर्स है उन सबको आप ऐड करके विद इन 1 सेकंड में बताइए। तीन क्वेश्चन ये हो गए, दो क्वेश्चन पुरानी वाली ट्रिक के, दो क्वेश्चन हमारा लिखिए। एक सीरीज है फटाफट ऑड नंबर की, ऑड नंबर की सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 सॉरी प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22। ये आपके क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन, एक और दे देती हूँ वो छोटा सा होगा, ठीक है? उसको और करके देख लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक? करके देखिए, अगर इनके आंसर नहीं आते हैं तो वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर जरूर बताऊंगी। बट हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स और आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है, समझ में आई या नहीं आई मत भूलिएगा बताना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपकी एक एडिशन की ट्रिक थी, नेक्स्ट वीडियो में एडिशन की और भी ट्रिक्स हैं वो लेकर आने वाली हूं मैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी हम नई वीडियो में नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए मेरा एक टाइटल, क्या टाइटल है? काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तुम्हारे जैसा। चलिए जय हिंद जय भारत।